आज के गेमिंग न्यूज़ के एपिसोड में आपको NFS मोबाइल, वॉरजोन मोबाइल, BGMI, क्लाउड गेमिंग, साइबरपंक 2077 और ऐसी बहुत सारे गेम्स की इंटरेस्टिंग न्यूज़ पता लगेगी, इसलिए एंड तक जरूर देखना। नीड फॉर स्पीड मोबाइल की बात करते हैं जो कि NFS का नया मोबाइल गेम है एंड इसकी क्लोज बीटा टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है चाइना में, जहां लोग साइन अप कर सकते हैं टू टेस्ट द गेम। सबसे अच्छी बात कि इसे बना रहे हैं टीमी स्टूडियोज जिसने COD मोबाइल और पोकेमॉन यूनाइट बनाया है, तो मे बी हम इंडिया में भी इसे खेल पाएंगे क्योंकि दोनों गेम्स ही अवेलेबल है। इसे एक ओपन वर्ल्ड गेम कहा जा रहा है और जो गेम प्ले लीक हुआ था कुछ टाइम पहले उसमें NFS हीट का मैप देखने को मिला था, साथ ही इस गेम का कोड नेम भी हीट है, तो शायद ये वैसा सही गेम होगा या फिर उससे इंस्पायर्ड होगा। खैर अभी टेस्टिंग के टाइम इसमें तीन कार्स अवेलेबल हैं जो कि McLaren F1, Lamborghini Aventador एंड Lamborghini Gallardo। पबजी के डेवलपर ब्रेंडन ग्रीनी एक नए गेम पर वर्क कर रहे हैं जिसका नाम है आर्टेमिस, और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ये ब्लॉकचेन पावर्ड है, मतलब NFTs और मेटावर्स होने वाले हैं। ये 3 वर्ड से गेमिंग कम्युनिटी को सबसे ज्यादा नफरत है। खैर ये बेसिकली एक बड़ा ओपन वर्ल्ड होगा जहां पर प्लेयर्स कुछ भी बना पाएंगे, मतलब बस इतना ही आइडिया दिया है उन्होंने अभी तक। उसके अलावा इसमें प्लेयर जो भी इन गेम आइटम्स होंगी उन्हें सेल करके पैसे भी कमा सकते हैं, बट प्लेयर अननोन का कहना है कि ये गेम पैसा कमाने के लिए नहीं बना रहे हैं, उनका मेन मोटिव ये है कि वो बहुत ज्यादा फैसिनेट होते हैं ऐसी दुनिया से जहां आप कुछ भी कर पाओ। वैसे आपको अगर नहीं पता कि प्ले टू अर्न क्रिप्टो गेम्स कैसे वर्क करते हैं तो मैंने उस पर वीडियो बनाई थी, वो आप देख सकते हो। IG Origins का फाइनली एक गेम प्ले ट्रेलर सामने आ गया है जिसमें हमें गेम के ग्राफिक्स और स्टोरी का भी आइडिया लग रहा है। पहली बात तो ये प्री अल्फा गेम प्ले था जिसका मतलब इसमें इंप्रूवमेंट्स होने बाकी है, बट स्टिल इसके ग्राफिक्स बहुत सही लग रहे हैं एंड पूरी सेटिंग रात की थी जो कि स्टेल्थ गेम प्ले के लिए बढ़िया माहौल बनाती है। कुछ वेपन्स दिख रहे हैं लाइक पिस्तौल विद अ सप्रेसर, नाइफ एंड कुछ और गन्स जो स्टेल्थ के लिए यूज हो सकती हैं। उसके अलावा पीछे की वॉइस एक्टिंग भी मस्त लग रही है। नीचे कमेंट्स पढ़ रहा था मैं और लोग बहुत एक्साइटेड थे इसके लिए, इवन ज्यादातर इंडियंस ही थे कमेंट सेक्शन में। आई डोंट नो बाहर के मीडिया आउटलेट्स इसे इतनी अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं, मे बी वहां IGI के गेम्स इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं होंगे, बट हम इंडियंस ने तो खूब खेले हैं बचपन में। आपके क्या थॉट्स हैं इससे रिलेटेड बताओ कमेंट्स में। 15 दिन पहले COD वॉरजोन मोबाइल के प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे और अब इसके 15 मिलियन कंप्लीट भी हो चुके हैं, मतलब एक्टिविजन ब्लिज़र्ड के सभी गेम्स में वन ऑफ द फास्टेस्ट हो गए। अब हर माइलस्टोन पे नए रिवॉर्ड्स अनलॉक हो रहे हैं लाइक 5 मिलियन पे, 10 मिलियन पे, 15 पे एंड 25 पे भी एक बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा सबको। मैंने तो कर दिया है प्री रजिस्टर, अगर आपने नहीं किया है तो कर लो ऑन गूगल प्ले स्टोर। इसमें 120 प्लेयर्स की लॉबी होने वाली है एंड वर्डेंस मैप भी आएगा। अभी इसकी रिलीज डेट तो नहीं पता बट एक क्लोज अल्फा टेस्टिंग में है। फिर एक बहुत ही शॉकिंग एंड सैड न्यूज आ रही है कि फेमस फ्री फायर यूट्यूबर स्काई लॉर्ड अब नहीं रहे हैं। अभी उदय के मल्टीपल चैनल्स थे जिनपे 1.5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जहां वो फ्री फायर रिलेटेड कंटेंट बनाते थे। मध्य प्रदेश टूरिज्म ने अपनी स्टेट को प्रमोट करने के लिए एक राइडिंग टूर ऑर्गेनाइज करा था जो स्टार्ट हुआ था 21 सितंबर को एंड 27 तक चला, जिसमें स्काई लॉर्ड भी शामिल थे। लेकिन 26 सितंबर को खबर आती है कि उनकी बाइक को एक ट्रक ने हिट कर दिया एंड उन्हें मल्टीपल इंजरीज हुई है। ये सब हुआ रात के 2 बजे एंड तभी उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन पास वाले में फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी तो उन्हें दूसरे हॉस्पिटल ले जाने लगे, पर रास्ते में ही उन्होंने अपनी आखिरी सांसें भरी। क्रिएटर्स एंड कम्युनिटी ने अपने कॉन्डोलेंसेस शेयर करे हैं एंड उनकी फैमिली को इस टफ टाइम में सपोर्ट दिखाया है। मैं उनको पर्सनली तो नहीं जानता था या उनके कॉन्टेंट को फॉलो नहीं करता था, बट जब ये न्यूज पता लगी तो बहुत शॉकिंग था एंड हार्ट ब्रेकिंग भी। इवन मेरी गेम प्ले वीडियोज के एडिटर भी उनके लिए एडिट करते थे एंड वो भी बहुत ज्यादा शॉक में थे। अब बात करते हैं BGMI के बैन की। तो एक ट्विटर यूजर ने RTI फाइल किया 2 सवाल पूछते हुए। पहला ये कि BGMI क्यों बैन किया एंड दूसरा ये कि क्राफ्टन एंड गवर्नमेंट के बीच मीटिंग हुई थी या फिर नहीं। तो RTI का रिस्पांस आया जिसमें गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया कि हाँ BGMI ब्लॉक किया गया है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इन द कंट्री, एंड देन ये भी कंफर्म हो गया कि क्राफ्टन और गवर्नमेंट के बीच में मीटिंग्स हुई थी, लेकिन मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ वो सब बताने से मना कर दिया गया, ये कह के कि इट इज अ कॉन्फिडेंशियल मैटर। स्काउट ने भी इस मैटर पे कुछ बोला एंड उनके अकॉर्डिंग BGMI दिसंबर से पहले आने के चांसेस काफी कम है। अब तो सही बताऊं क्राफ्टन पे ही सब कुछ डिपेंड करता है कि वो हम इंडियंस के डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर ना करके, क्योंकि शायद तभी गेम अनब्लॉक हो पाएगा। भाई साइबरपंक 2077 के डेवलपर्स अब इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि जिस गेम पे पिछले 7-8 साल लगाए उन्होंने अब उसे फाइनली लोग पसंद करने लगे हैं। जितनी गालियां लॉन्च पे मिली थी उससे कहीं ज्यादा सपोर्ट अब मिल रहा है और शायद मिलेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि गेम फिर से पॉपुलर हो गया है और बहुत लोग इसे वापस खेलने लगे हैं। फाइनली अब गेम ने 20 मिलियन कॉपीज भी सेल कर दी है जिसे करने में 2 साल लग गए। ये नंबर बहुत जल्दी अचीव हो जाता अगर गेम सही हालत में लॉन्च होता, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब इसकी बड़ी एक्सपेंशन आ रही है फैंटम लिबर्टी के नाम से जिसके लिए लोग बहुत एक्साइटेड हैं एंड इसमें तो कैन्यू डीव्स भी वापस आ रहे हैं। भाई टेंसेंट ऑलरेडी यूबीसॉफ्ट का मेजोरिटी शेयर होल्डर बन चुका है, बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो और भी ज्यादा कंपनीज में मेजोरिटी शेयर होल्डर बनना चाहता है। वो ऑलरेडी रेवेन्यू वाइज दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी है एंड वो चाइना के बाहर बहुत सारे स्टूडियोज में इन्वेस्ट कर रही है, जिसका मतलब फ्यूचर में कुछ और गेम्स ऐसे हो सकते हैं जो हम इंडियंस ना खेल पाए। एक्विजिशंस की बात करें तो सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट भी गेमिंग में $37.8 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वहां के क्राउन प्रिंस
और प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली गेमिंग एंड ईस्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और अब $13 billion में कोई गेम पब्लिशर भी एक्वायर करने वाले हैं जिसका नाम रिवील नहीं किया गया। उसके अलावा वो 250 गेम कंपनीज एंड 39,000 जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं। पहले तो सिर्फ र्यूमर्स ही आए थे कि गूगल स्टेडिया बंद हो रहा है, जिसे खुद गूगल ने ही फेक बताया, बट अब ऑफिशियली उसने अनाउंस कर दिया है कि गूगल स्टेडिया हैज बीन शट डाउन, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मतलब काफी सैड न्यूज है, क्योंकि जब स्टेडिया आया था तब लो एंड गेमर्स या मोबाइल गेमर्स को उम्मीद की किरण दिखी थी कि फाइनली वो AAA गेम्स मोबाइल पे खेल पाएंगे, क्योंकि स्टेडिया ने क्लाउड गेमिंग को बहुत पॉपुलराइज किया। एटलीस्ट मुझे तो क्लाउड गेमिंग का पता गूगल स्टेडिया से ही लगा था एंड वेट कर रहा था कि कब ये इंडिया में आए, बट उससे पहले ये फिनिश हो गया। वैसे जिन लोगों ने पैसे खर्च करे उनको वापस मिल जाएंगे, पर टाइम का क्या, क्योंकि लोगों ने स्टेडिया पे गेम्स खेलते हुए बहुत ग्राइंड किया है। एक तो रेड डेड ऑनलाइन का प्लेयर है जिसने उसमें ऑलमोस्ट 6,000 आवर्स स्पेंड करे हैं, यानी कि 500 डेज खेला है वो गेम। एंड अब स्टेडिया बंद हो जाएगा तो उसकी सारी प्रोग्रेस खत्म हो जाएगी, इसलिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है रॉकस्टार से कि उसका करेक्टर ट्रांसफर कर दो पीसी या कंसोल पे। वैसे यूबीसॉफ्ट, बंजी एंड आईओ इंटरएक्टिव ने तो कह दिया है कि हम आपकी प्रोग्रेस को ट्रांसफर कर देंगे, डोंट वरी, बट रॉकस्टार का वेट करते हैं। वैसे बहुत लोग नाराज हैं गूगल से, क्योंकि क्लाउड गेमिंग इज फ्यूचर, नो डाउट। इवन एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, लॉजिटेक जैसी कंपनीज अभी भी इसमें लगे हुए हैं, बट गूगल को क्रिटिसाइज किया जा रहा है ये कह के कि इसमें पेशेंस नहीं है, बस कुछ साल और लॉस में जी लेते ना तो शायद स्टेडिया बहुत बड़ा बन जाता, पर इन्हें हर चीज जल्दी से बंद करने की आदत लगी है। इवन जो डेवलपर स्टेडिया के लिए गेम बना रहे थे ना, उन्हें तक नहीं बताया कि हम बंद करने वाले हैं। मतलब एक बेचारा डेवलपर है, वो तो कह रहा है कि यार मैं तो 2 दिन में गेम लॉन्च करने वाला था स्टेडिया पे, एंड लो अब बंद हो गया। उसके अलावा बहुत सारे गेम डेवलपर्स हैं जो कि नवंबर में या फिर आने वाले कुछ महीनों में गेम लॉन्च करने वाले थे, और अब उनके पैसा भी बर्बाद, टाइम भी बर्बाद। सो आप बताओ कि गूगल स्टेडिया को लेकर आपका क्या ओपिनियन है। अब चलते हैं 5-in-1 न्यूज की तरफ। तो गेंशिन इंपैक्ट की तरफ से न्यूज आ रही है कि उसने अपने पहले 2 साल में $3.7 billion कमा लिए हैं, जो कि सही में क्रेजी है, बिकॉज ये एक फ्री टू प्ले गेम है एंड सिर्फ माइक्रो ट्रांजेक्शन से ही इतना कमा लिया, जबकि कई पेड कंसोल गेम्स इतना नहीं कमा पाते पूरी लाइफ टाइम में। देन E3 इज ऑफिशियली रिटर्निंग इन ऑफलाइन मोड ऑन June 13-16। पहले ऐसा लग रहा था कि E3 हो गए नहीं, फिर वापसी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर, बिकॉज अब लॉकडाउन हट गए हैं एंड इस बार गेमर्स और बिजनेस दोनों के लिए अलग अलग होगा, सो दैट मिक्सअप ना हो जाए। देन भाई इस करंट बोन्स 5th time डिले हो चुका है, जो कि अनबिलीवेबल है, और अब ये March 9, 2023 को आएगा। यूबीसॉफ्ट का कहना है कि गेम तो कंप्लीट है, बस टेस्टिंग वगैरह करनी है ताकि पॉलिश गेम प्ले आपको दिया जा सके। फिर COD मॉडर्न वॉरफेयर 2 का बीटा खत्म हो चुका है, जो किसी भी COD के कंपैरिजन में सबसे बड़ा बीटा बन के आया। अब इन्फिनिटी वॉर्ड सारे फीडबैक पे वर्क करके उसे फिक्स करेगी, जिसमें से 3 मेन है कि एनिमी और फ्रेंड्स के फुटस्टेप ऑडियो को बैलेंस करना, देन एनिमीज की विजुअल ट्रैकिंग बेटर करना और लॉबीज को इम्प्रूव करना। लास्ट ऑफ अस के बाद अब होराइजन जीरो डॉन का एक रिमास्टर या फिर रीमेक शायद डेवलपमेंट में है फॉर PS5। वैसे तो 2017 का ही गेम है, तो ऐसा लग रहा है कि रिमास्टर ही होगा। उसके साथ एक मल्टीप्लेयर भी हो सकता है, जो कि शायद वर्क में हो। तो बस गाइस, यही था आज के गेमिंग न्यूज़ के एपिसोड में। अगर आपको प्ले टू एंड क्रिप्टो गेम्स के बारे में और जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, एंड अगर आपको GT6 के लेटेस्ट लीक के बारे में जानना है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।